नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय जी, आपकी तमाम भविष्यवाणियां साबित हुई नीतीश कुमार को लेकर। आप जैसा कह रहे थे वैसा ही सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ। भले ही भगवान राम आ गए अयोध्या में और भले ही नरेंद्र मोदी जितने बड़े ब्रांड हो, लेकिन बिहार के बारे में जो कहा जाता है कि हल्दी उसे ही लगेगी जिसके साथ नीतीश कुमार हो गए। तो तेजस्वी यादव की तो कुर्सी छीन ली गई, बीजेपी को सत्ता मिल गई। मुख्यमंत्री बदलते नहीं है, पार्टियां बदल जाती हैं, गठबंधन बदल जाता है। तो बीजेपी सत्ता में आ गई और जब सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी संघर्ष कर रही सड़क पर, सड़क से लेकर सदन तक बिहार के मुद्दों को उठा रही। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हम और आप सभी जानते हैं कि वो अपने रास्ते पर बिहार को चलाते हैं। गवर्नेंस को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हो रही थी कि होम डिपार्टमेंट बीजेपी को चाहिए, कह दिया गया कुछ भी हो जाएगा गृह विभाग तो नहीं मिलेगा। और आपने देखा ही कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनके बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए रुके नहीं। जितने तबादले करने थे भाजपा वाले, कोई अर्जी पर्ची लगाते इसके पहले ही तमाम फैसले कर दिए गए। तो मैं कह रहा था कि बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक, लोगों ने डाकबंगला चौराहे पर लाठियां खाई, जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी, जहानाबाद के एक बीजेपी नेता ने बलिदान दिया और मुद्दे तमाम रहे। तो अब तो ये सवाल पैदा होगा, देखिए आपने सरकार तो बना ली क्योंकि 2024 का चुनाव आपको जीतना है बिहार में, 40 पे 40, 40 पे 39, तो वह बगैर नीतीश कुमार के संभव होता नहीं दिख रहा। लेकिन जिन मुद्दों के लिए आप लाठियां खा रहे थे और जिसके लिए आप बिहार की जनता को भरोसा दिला रहे थे, मैं संघर्ष कर रहा हूं, उस संघर्ष का क्या होगा? बीजेपी इतनी हिम्मत दिखाएगी कि वह नीतीश कुमार से संघर्ष के उन मुद्दों पर विजय प्राप्त करेगी? देखिए, शिक्षक भर्ती एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि तेजस्वी यादव इस क्रेडिट को लेने में लगे हैं कि जब वे सरकार में आए तभी से बिहार में नौकरियों की बहार है। तो जो नौकरियों की बहार है, अगले महीने, आज जनवरी महीने के आखिरी दिन में हम लोग हैं, अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी या मार्च के पहले हफ्ते में, तो इस बहार को यह सरकार कैसे बरकरार रखे? दूसरी बात, जिस बात को लेकर बहुत सारे आंदोलन होते रहे, बीजेपी नेताओं ने भी खुले तौर पर आंदोलन की वकालत की, उनका पक्ष लिया कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उसमें डोमिसाइल लागू। लेकिन नीतीश कुमार क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कहते रहे कि भाई जब बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने से नहीं रोका जाता है तो हम बिहार में कैसे रोकते। और फिर दो चरणों की परीक्षाएं हो चुकी, नियुक्तियां हो चुकी, कितना प्रतिशत इसे लेकर लोग कहते हैं, कयास लगाते हैं, कोई 25% कहता है, कोई 20% कहता है कि दूसरे प्रदेशों के लोग आकर बहाल हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि जिस डोमिसाइल को लेकर बीजेपी संघर्ष करती रही, क्या बीजेपी का संघर्ष जारी रहेगा? वह नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर झुका पाएगी? क्योंकि देखिए, यह आवाम का मुद्दा है, बिहार के बेरोजगारों का मुद्दा है और बिहार बदनाम इसलिए है कि नौकरी मिलती नहीं है, लोग पलायन करते हैं। संजय जी, बाकी मुद्दों पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे तो अच्छी बात है कि लगातार जिन बिंदुओं पर हम लोग बात करते रहे कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी है। ठीक है, सिरे से लोग नकारते रहे कि नीतीश कुमार की अब पूंजी खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी इतना मजबूत है कि, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ गए और अमित शाह जी ने तो झंझारपुर की सभा में भी बोल दिया था। लेकिन मैं देखा कि सरकार बनने के एक दिन पहले जब चीजें तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब इनकी सरकार बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि ये दरवाजे और खिड़कियां क्या होती है, दीवारें तक टूट जाती है और वो बर्लिन तक चले।
जी बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब बर्लिन की दीवार, हाँ बर्लिन की दीवार टूट सकती है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों दरवाजे और खिड़कियां और दीवार की बात करेगी। सुर बदल जी गए, बिल्कुल गठबंधन बदला और सुर बदल गए। अब रह गई बात कि नीतीश कुमार जी निर्णयों को लेकर के इसलिए कहीं ना कहीं अडिग रहते हैं कि उसके जी पीछे उनका एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है। सब कुछ ठीक है, अगर 18 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं तो निर्णय वो भावनात्मक आधार पर नहीं लेते हैं। कई बार तो उस सभाओं में बोलते हुए सुने गए कि हित बिहार का होगा, हित आपका जी होगा, हमारी पार्टी का और मेरा अगर कोई नुकसान भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहारियों के हित में और बिहार के हित में मेरे निर्णय होंगे। जी पार्टियां गठबंधन में जो रहे वो पार्टी का हित उनके लिए पहले होता है और फिर हित होता है बिहार का। इससे इस सच्चाई को, इस कट सत्य को मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आ जी जाते हैं डोभीवाल नीति पर। बगल में तो उत्तर प्रदेश है, वहां तो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, अभी ये गठबंधन में आए हैं, जी वहां तो कोई मिसाइल नीति नहीं है। केरला में नहीं है जहां लेफ्ट का शासन है, बंगाल में ममता दीदी है वहां नहीं है डोमिसाइल नीति। तो अगर इन प्रदेशों में डोमिसाइल नहीं है, उसके पीछे तो यही मकसद है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आपको क्वालिटी का टीचर चाहिए तो आपको पूरे भारत के क्वालिटी के टीचर को आमंत्रित करना होगा कि हमारे यहां अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आइए। और नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगता था कि आपने शिक्षक तो किया लेकिन उन शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है, और चूंकि जब शिक्षक ही योग्य नहीं है तो आपको क्वालिटी एजुकेशन कहां से मिलेगा। तो उस चीज बिल्कुल पर भाजपा घेरने की कोशिश करती थी, डोमिसाइल नीति डोमिसाइल नीति। आपको तो याद होगा कि कई विषय में तो शिक्षक नहीं मिले, विज्ञान हाँ में, नहीं बिल्कुल गणित, विज्ञान गणित में शिक्षक नहीं मिले। तर्क तो ये दिया गया कि चूंकि वही शिक्षक जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है बनिस्पत कि आपके स्कूल में आकर के वो पढ़ाएंगे। तो डोमिसाइल नीति के लिए भाजपा इसलिए नहीं अड़ेगी, वो अपना स्टैंड बदल देगी कि नहीं, हम बिहार को जो है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे जी निर्णय पर हम फिर से एक बार विचार हम लोगों ने किया। और वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, इनका निर्णय था, वो पार्टी की लाइन नहीं थी। और पार्टियां ऐसा बोला करती है कि भाई ये मेरी बात, मैंने बोल दिया था, ये पार्टी लाइन नहीं था। पार्टी का लाइन अगर ये है तो हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और डोमिसाइल नीति के को न मान करके पूरे भारत से एक ब्रेन को लाने की कोशिश करेंगे जो बिहार के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। क्योंकि आपको याद होगा कि सब लोग एक लाइन पर थे जब गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी तो, और क्या जी कहते थे, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, अब तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। गिरिराज सिंह बोलते रहे, ये नीतीश बाबू हैं जो छक्का पंजा करते रहते हैं। बाद में मुझे पता चला कि गिरिराज बाबू के बारे में केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि उनको बोलने दीजिए ताकि कंफ्यूजन बना रहे। हाँ, जी लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने जब एक तरह से निर्णय लिया तो सारे लोग इस लाइन पर आ गए, और एक लाइन में इन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, हम लोग इस फैसले के साथ हैं, और बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई। तो जी बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई, इसमें एक केंद्रीय नेतृत्व, ऐसा कांग्रेस में होता था कि आला कमान होते थे, आला कमान का फैसला होता था, निर्णय हो जाते थे। बीजेपी भी जी तो उसी आला कमान के पैटर्न पर चलना शुरू की कि राज्य के स्तर बिल्कुल पर जो हो, लेकिन अगर आला कमान का फैसला आ गया, आदेश वहां से आ गया, तो फिर उस आदेश के साथ सब लोग खड़े हो जाते वो तो हैं। बिल्कुल इंदिरा इंदिरा गांधी की रीति नीति के हिसाब से चल रहे हैं, आधी रात को फैसला हो जाता है दिल्ली जी में बिल्कुल और कहा जाता है ये बिल्कुल, पार्टी का फैसला है। और कहा जाता है कि पार्टी का फैसला है। तो जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलते रही, मंच से बोलते रही, सार्वजनिक सभाओं में बोलते रही कि अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन संभव नहीं है, गठबंधन बना करके जब ये सरकार बना सकते हैं तो डोमिसाइल नीति को तो 1 मिनट में ये कह के डाइल्यूट कर देंगे कि हाँ मैंने बोला था छात्रों के हित में, बिहारी नौजवानों के हित में, लेकिन ये मेरी पार्टी लाइन नहीं थी,
पार्टी चाहती है मेरी कि योग्य शिक्षक बहाल हों और हमारे बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली पैदा हों, इसलिए अब डोमिसाइल नीति पर हमारा अब ये स्टैंड है। ये कहने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 मिनट भी विलंब नहीं लगेगा, इसलिए इस विषय मतलब पर ये कहना चाहते हैं संजय जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हम इसे डिकोड करें कि नेताओं की बातों पर भरोसा मत कीजिए, वह मौके के हिसाब से बोलेंगे, मौके के हिसाब से काम करेंगे। यदि डोमिसाइल नीति पर भाजपा का सुर बदल जाता है तो इसका आशय तो यही निकलेगा ना कि कल तक आप बिहार की जनता को, बिहार के बेरोजगारों को आंदोलित कर रहे थे, बेवजह गुमराह कर रहे थे, और जब सत्ता की मलाई खाने का वक्त आया तो आप अपनी बातों से पलट गए। स्वाभाविक है। इस सच्चाई को वो छात्र जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको भी समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि उनके, चूंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार उनके तर्क बदल जाते हैं, उनके वक्तव्य बदल जाते हैं, और आप बीच में एक आ जाते हैं केंद्रीय नेतृत्व की, केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला है। अगर सारे फैसले केंद्रीय नेतृत्व के हैं तो फिर आपकी बातों को जो आप इशारा कर रहे हैं कि हम लोग इसी बात को मान के चलेंगे कि आपकी बातों का बहुत कोई मतलब नहीं है। आप बोलते हैं लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई और लाइन ले लेगा तो आपके लाइन बदल जाएंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व की ही बात को हम लोग ऑथेंटिक मान करके चले, बाकी आपके लाइन को हम आपके व्यक्तिगत राय मान करके हम लोग इसको किनारे कर दें, इसको बहुत गंभीरता से न लें। यही होगा डोमिसाइल नीति में भी, यही होगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर में नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि दूसरे राज्यों से भी जो अभ्यर्थी आए वो अभ्यर्थी करके चले गए, वो भी नहीं टिके। साइंस और मैथमेटिक्स आपके पास सीटें खाली रह गई तो शिक्षक तो आप दीजिएगा ना, कम से कम बिहार के पास अगर यही मेधाही पूंजी है तो शिक्षक तो दीजिएगा। तो आपके यहाँ के लोग अगर इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो कहीं ना कहीं से तो आप शिक्षक लाइएगा, और जो शिक्षक आएंगे तो वो शिक्षक जो है वो पढ़ाएंगे, तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि डोमिसाइल नीति पर भी इनके स्टैंड बदले। ठीक है, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी झुकेगी डोमिसाइल नीति पर और नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। तो अब देखिए हम दूसरी बात समझना चाहते हैं, जब के पाठक को लेकर इतना विवाद चल रहा था, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और उनकी ठन गई बिहार के तत्कालीन, जब अब तत्कालीन ही कहेंगे, कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ या फिर शिक्षक नेताओं के साथ या फिर शिक्षक संघों के साथ, तो मैं पुरानी विज्ञप्तियों को देख रहा था भाजपा के नेताओं की, मैंने नजर डाली सुशील कुमार मोदी की विज्ञप्ति पर, और सुशील कुमार मोदी कहते दिखे कि के पाठक शिक्षा विभाग में ठीक काम नहीं कर रहे, शिक्षा विरोधी है, उन्हें तुरंत नीतीश कुमार को वहां से हटा देना चाहिए। तो देखिए अब तो सरकार बदल गई है, शिक्षा विभाग में अब भी अपर मुख्य सचिव है के पाठक, और वे अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जनता के हीरो बने हुए हैं। तो बीजेपी जब सत्ता में आई है, शिक्षा मंत्री कौन होगा अभी पता नहीं, जेडीयू के खाते में ही रहना चाहिए या फिर किनके खाते में जाता है। पिछली सरकार जब एनडीए की सरकार थी तो विजय कुमार चौधरी थे, तो सुलझे हुए नेता है। तो के चौधरी को, जिन्हें शिक्षा विरोधी बीजेपी मान रही थी, क्या के पाठक के मुद्दे पर अब खामोश हो जाएगी? के पाठक बीजेपी को तानाशाह नहीं दिखेंगे? के पाठक के सारे फरमान अब सही दिखने लगेंगे कि बीजेपी दबाव डालेगी, नहीं इनकी छुट्टी करो? अभी तो जरा शिक्षा विभाग किनको मिलता है जरा देख लेने दीजिए, और अगर बीजेपी को लगेगा कि हम के पाठक के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बना पाएंगे तो एक दबाव बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी कि के पाठक को किसी और विभाग में दे दिया जाए और इस विभाग की जिम्मेवारी किसी और आप सचिव को दिया जाए या जो ACS हैं वो उनको दूसरे को दिया जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी एक स्टैंड लें कि नहीं, बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिए के पाठक हमारी जरूरत है, और के पाठक अगर नहीं होते, चूंकि आपने देखा होगा कि अभिभावकों ने, बच्चों ने के पाठक को लेकर के बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तो जनता के मिजाज को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पढ़ते हैं
कार्यकर्ता और जो उनके वोटर हैं वो भी तो वही हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। और अगर आप इतना जातीय समीकरण का तराजू लेकर के तोल मोल करते हैं कि ईबीसी ना नाराज हो जाए, दलित ना नाराज हो जाए, ओबीसी नहीं नाराज हो जाए, तो क्या इसको नहीं तोलेंगे कि अगर वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, नियमित रूप से वहां शिक्षक जा रहे हैं, उन शिक्षकों में एक भय बना है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो के पाठक एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस अधिकारी को अगर उस विभाग बदलवाने में अगर मेरे बारे में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर थी तब भी नहीं चाहती थी, जब सत्ता में आ गई तब भी नहीं चाहती है, और बिहार के शिक्षा की दुर्दशा के लिए भाजपा भी कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जिम्मेवार है, तो भाजपा इस पर बड़ा सोच समझ के कदम उठा कि क्या के पाठक पर जो हमारा पहले स्टैंड था उसी स्टैंड पर कायम रहा जाए या हम अपना स्टैंड बदले। मुझे लगता है कि के पाठक पर भाजपा चुप्पी लगा जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी, भाजपा चुप्पी लगा, सवाल भी जब उनसे पूछे जाएंगे। अब तो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है जिन सवालों के तरफ आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, भाई जैसे ही डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी, उनकी पगड़ी को लेकर के सवाल, सबके मन में उत्सुकता आ गई कि वो भीष्म प्रतिज्ञा का क्या हो गया। हाँ, उस भीष्म प्रतिज्ञा का क्या हो गया, और सम्राट चौधरी ने बड़ा सीधा सरल सा जवाब दे दिया, मैं तो जब पैदा हुआ उसी समय से चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, और ये पगड़ी मैं राम मंदिर में अयोध्या में जाकर के और उन्हीं को सुपुर्द कर दूंगा और बिहार की बेहतरी के लिए काम करूंगा। तो इतने समझदार, इतने चालाक, इतने बुद्धिमान लोग जब वहां हैं उस पार्टी में, आपको लगता है कि इस तरह के किसी भी स्टैंड को वो यू टर्न लेने में जरा भी विलंब करेंगे, जहां लगेगा कि अगर हम उस स्टैंड पर कायम रहे तो हमारी पार्टी को घाटा हो जाएगा, हमारे जो आला कमान है वो नाराज हो जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को लेकर के नाराजगी हमें झेलनी पड़ेगी कि भाई के पाठक जो एक बेहतर काम कर रहे थे, एक अच्छे अधिकारी के रूप में थे, उनको हटाने के लिए हमने अड़ियल रुख अपना लिया। और नीतीश कुमार अगर अड़ गए, जैसे होम डिपार्टमेंट के वो अड़ गए कि नहीं नहीं ये डिपार्टमेंट तो अब हम अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, और यही मेरी यूएसपी रही है, वास्तविकता में बात जो कर ले लोग, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर दिया है, ठीक है रूटीन क्राइम को तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो 30-30 ऑर्गेनाइज गैंग थे, आप हम लोग इस पर बात कर चुके थे, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग है क्या? तो नीतीश कुमार अगर आ जाएंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, हाँ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और शिक्षा के लिए जरूरी है के पाठक, और भाजपा को भी लगने लगेगा कि इससे वो अभिभावक, वो वोटर नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर कि ये तो बीजेपी ही नहीं चाहती है कि बिहार में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो, जिसमें अच्छे अधिकारी को लेकर के, और ये अड़े हुए हैं कि इनको हटा दो हटा, ये डिस्क्रेडिट नहीं लेने जाएगी, बीजेपी वहां पर चुप्पी लगा जाएगी। डिपेंड करता है कि देखते हैं कि कौन इनके शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, जिनका विजन क्या है, और वो कैसे कोऑर्डिनेशन, चुकी वो फ्री हैंड, जो मेरी जानकारी है, जब चंद्रशेखर जी का विभाग बदला गया था तो नीतीश कुमार जी ने के पाठक को कहा था कि आप जैसे काम कर रहे हैं अब फ्री हैंड होकर के आप काम कीजिए, आपके काम में कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। हाँ ठीक है, मंत्री भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलिए ताकि एक मैसेज बाहर में गलत नहीं जाए, बाकी आपको काम करने की स्वतंत्रता है। तो मुझे नहीं लगता कि के पाठक को लेकर के भी बीजेपी का जो स्टैंड सत्ता में बाहर रहने के क्रम में था वही सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं होगा, बीजेपी इस बात पर चुप्पी लगा जाएगी और ये कहेगी कि नहीं नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए हमें जो कुर्बानी देनी होगी वो करेंगे। राजनीति में कुर्बानी बहुत दी जाती है, हर बात बात पर कुर्बानी दे दी, हाँ हर बात पर कुर्बानी दे दी जाती है। तो बीजेपी कहेगी कि नहीं, राज्य हित में और बच्चों के हित में अगर के पाठक की जरूरत है तो चलिए, के पाठक की कुछ चीजें हैं जिनसे हम लोग सहमत नहीं रहते हैं, उन चीजों को मैं किनारे कर देता हूं और इनको बेहतर काम करने के लिए अगर अवसर दिया गया है तो ये बिहार के शिक्षकों को, बिहार के स्कूलों को, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए के पाठक पर हम अभी कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये कह के ये निकल।
चलिए, तो के पाठक में प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। देखिए, बीजेपी कहा करती थी नियोजित शिक्षकों को कभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, भगवान भी नहीं देंगे, पैसे कहाँ हैं। नीतीश कुमार ने दे दिया, लेकिन एक शर्त ला दी, सक्षमता परीक्षा। और बीजेपी इसका भी विरोध करती रही, सक्षमता परीक्षा क्यों, अब इतने दिनों तक ये काम कर चुके, क्यों नहीं आप सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा दे देते हैं। और शिक्षक संघों का विरोध भी है, आंदोलन का ऐलान हो गया है, लोग कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। बीजेपी से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो नीतीश कुमार से इस फैसले को बदलवा देंगे और बगैर सक्षमता परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, क्या बीजेपी ये करा पाएगी नीतीश कुमार से, आपको लगता है? आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या कहता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो करा पाएगी बीजेपी, क्योंकि एक बेसिक तरह का उन्होंने एबिलिटी टेस्ट की बात की है कि अगर इतने दिनों का आपके पास अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, तो मैं कोई अलग सिलेबस का तो कोई एबिलिटी टेस्ट नहीं लेने जा रहा हूं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज आपने इतने दिनों में अर्न किया पढ़ाने के क्रम में, अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, वो उस समय वही क्राइटेरिया बनाया गया और आपने उस क्राइटेरिया को माना, तब हमने आपको शिक्षक बनाया। ये कोई बाध्य मैंने नहीं किया कि आपको शिक्षक बनना ही है और नियोजित शिक्षक ही बनना है। नियोजन इकाई थी जो उस समय अपॉइंटमेंट इकाई थी, वो नियोजन के द्वारा होता था और उन्होंने बताया कि नियोजन के द्वारा अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आइए, आपका ये मानदेय होगा और इसके अनुसार आप काम कीजिए। ठीक है, उस कालखंड में एक लगा कि अगर इतने दिनों तक इन्होंने पढ़ाया, इतने दिनों तक बिहार के बच्चों का निर्माण किया, तो अब वैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, दोयम दर्जे का, उसी कैंपस में एक बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा दें इन शिक्षकों को, जिनके पास इतने दिनों टाइम बाउंड प्रमोशन भी होता था, उसका भी एक तो आधार होता था ना बिहार में, तो हमको भी राज्यकर्मी पर सरकार मान भी ली कि हाँ ठीक है राज्यकर्मी का दर्जा हम आपको देंगे। लेकिन एक एबिलिटी टेस्ट जो बहुत फॉर्मल होगा, जिसके प्रश्न पत्र वही होंगे जो आपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल के टीचर है तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है, सेकेंडरी स्कूल में है तो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया है, जिस विषय को आप पढ़ाया है मिडिल स्कूल में होंगे तो उसमें पढ़ाए हैं। कल देखे थे शत्रुघ्न बाबू का भी बयान आया था जो माध्यमिक शिक्षक संघ के ये है कि अब सक्षमता परीक्षा को हटा दी। भाई ट्रेनिंग भी जब होती है, अब ग्रेडेशन भी होता है, तो उसके लिए भी तो एक परीक्षा का प्रावधान है। तो अगर आप परीक्षा का प्रावधान रखे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इसके लिए अड़ेगी कि सक्षमता परीक्षा न ली जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार मान जाएंगे कि नहीं, अब नियोजित शिक्षकों को सीधे सीधे अब हम राज्यकर्मी का दर्जा दे दें। एक जो हमने कहा है कि एक बहुत ही बेसिक सवाल के द्वारा हम आपकी एबिलिटी टेस्ट लेकर के आपको क्वालिफाई करा करके राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे। अब वैसे राजनीतिक दबाव में भाजपा क्या निर्णय लेती है मुझे नहीं पता है, लेकिन भाजपा इसको लेकर के, क्योंकि एक शर्त जो इस बार के गठबंधन में जो आया है उसमें मेरी जो जानकारी, हो सकता है कि मेरी जानकारी पूरी नहीं हो, एक जानकारी ये भी है कि नीतीश कुमार को कहा गया है कि आप भी ठीक से काम कीजिए, आपके ऊपर मेरे मंत्रियों का अनावश्यक दबाव, मेरी पार्टी के लोगों का, संगठन का भी अनावश्यक दबाव नहीं होगा, बिहार की बेहतरी के लिए आप काम करने दें। और आ रहे हैं प्रधानमंत्री, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मंच शेयर करें तो उस दिन बहुत सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएगी कि क्या भाजपा उसी तरह के दबाव में फिर से एक बार नीतीश कुमार को लाने की कोशिश करेगी, या नीतीश कुमार को जो कहा गया है कि नहीं आपकी स्वतंत्रता में गठबंधन की पार्टी बाधक नहीं बनेगी, इसके लिए आपको मैं निश्चिंत करता हूं, और ये एश्योरेंस शायद उनको प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। तो हमको नहीं लगता है, वायदा है ठीक है, प्रधानमंत्री का आश्वासन, लेकिन बीजेपी झुकती हुई दिखा पड़ रही है। एक बात और समझना कि जो नौकरियों की बाहर आई, अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, फिर मार्च महीने में, अब बीपीएससी तैयारी 3 की तैयारी भी बहुत तेज हो रही है, और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बहुत हमलावर है, आगे भी हमलावर होंगे, क्योंकि यदि स्पीड में स्पीड ब्रेकर लगा तो तेजस्वी यादव इस बात को स्कोर करेंगे, इस बात की क्रेडिट लेंगे कि देखिए हम थे
तो नौकरियां मिल रही थी, और यदि हम चले गए, जब हम चले गए तो नौकरियां मिलनी बंद हो गई। कैसे इस चुनौती को, कैसे इस चैलेंज को निपटेगी यह नई सरकार, जेडीयू और बीजेपी की सरकार? हाँ, ये तो इस सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जो नैरेटिव तेजस्वी यादव ने तय किया और जिस पर चीजों को अमली जामा पहनाना शुरू किया, वो नियुक्तियां दिखने लगी। क्योंकि एक व्यक्ति नौकरी पाता है तो एक परिवार खुशहाल होता है। जो गति आई, और गति जो इतनी तेज आई कि वो नोडल एजेंसी बीपीएससी होने के बावजूद भी परिणाम देखिए, मात्र कितने दिनों में परिणाम आने लगे। परीक्षार्थी बैठते थे, परिणाम कितने कम दिनों में आ जाते थे, और फिर उनकी काउंसलिंग करके और डिस्ट्रिक्ट से मांग लिया जाता था कि जरा आप अपने यहाँ की रिक्तियां भेजिए, और उसके अनुसार वहां भेज दिया जाता था कि आप जाकर के वहां आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए। अगर ये धीमी गति थी तो सरकार के लिए तो बैकफायर हो जाएगा, और एज इसका मिल जाएगा, हाँ एज इसका मिल जाएगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यही तो पेटी बनाया था 20 में। लालू प्रसाद जेल में थे और तेजस्वी जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। जब ये नौकरी की बात करते थे तो नीतीश कुमार के क्या शब्द होते थे पब्लिक डोमेन में, कि वो पैसा कहां से आएगा, जिन पैसों से। भाई पैसा भी आया, नौकरी भी मिली, तो ये तो तेजस्वी यादव ने यहां साबित किया। अगर रिक्तियां हैं तो रिक्तियां भरी जा सकती, और रिक्तियों को भरने के पहले निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट से इन लोगों ने अनुमोदन लिया होगा, क्योंकि बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुमोदन के की रिक्तियां नहीं भरी जाती है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इजाजत दी होगी तभी। अब रह गई बात की जिस कर रहे हैं कि अब जो टीचर इक्विपमेंट जो थर्ड का जो पार्ट है उसमें अगर अभी तुरंत ये जल्दीबाजी नहीं दिखाए तो लोकसभा चुनाव में बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि इसको मुद्दा बना लेगी। हाँ, मुद्दा बना लेगी आरजेडी और कहेगी कि ठीक है इसी तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आप दीजिएगा तो फिर तो परिणाम ही होगा, हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी से दीजिएगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो, तो हम साबित करके दिखाएंगे, अपने वादे को पूरा करके दिखाएंगे। ये इनके लिए इतनी बड़ी गले की हड्डी बनेगी जिसको कहते हैं कि न उगलना न निगलना। तो या तो ये तेजस्वी जी के ये पर आएंगे, उसी पिच पर ये खेलने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं वो नौकरियों की रफ्तार गति बरकरार रहेगी, या उससे ये पीछे हटते हैं तो इसके घाटे होंगे इनको। क्योंकि पब्लिक जो परसेप्शन है ना, वो जब एक बार बन जाता है तो एक परसेप्शन तो बना हुआ है कि तेजस्वी जी ने नौकरियों की बहार लाई है। इसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी भी हुई और उनको कहना पड़ा कि ये क्रेडिट वो क्यों लेते हैं। नौकरी की बात नीतीश कुमार गांधी मैदान के मंच से कह चुके हैं कि ये 7 निश्चय पार्ट 2 की प्रतिबद्धता है। तो अगर 7 निश्चय पार्ट 2 की प्रतिबद्धता है तो गठबंधन बदलते ही आपकी प्रतिबद्धता कमजोर कैसे पड़ गई, ये सवाल तो नीतीश कुमार से ही हो जाएगा। इसलिए देखते हैं, थोड़ा हम लोग इंतजार करें कि क्या उस गति को, उस मोमेंटम को ये बरकरार रखते हैं, या उसमें अगर कहीं कमी ढिलाई आती है तो उसके परिणाम हमारे समझ से उसका लाभ तेजस्वी जी को मिलेगा और वर्तमान सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ेगी, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा और बिहार के नौजवानों के द्वारा। नहीं, आज ही हमने देखा संजय जी कि आरजेडी बिल्कुल फ्रंट फुट से खेल रही है। मनोज झा जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने कहा कि देखिए 1 लाख से अधिक रिक्तियां स्वास्थ्य विभाग में है, हम इसे भरना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट से फाइल अप्रूव नहीं होने दे रहे थे। तो नौकरियों के सवाल पर आरजेडी ने शंखनाद कर दिया, और यदि तेजस्वी यादव ने संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया और इनकी रफ्तार थोड़ी सी भी धीमी हुई तो जैसा आप कह रहे हैं कि बैकफायर हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बिहार के बेरोजगार जो है उन्हें लगेगा कि यह तो धोखा हो गया, एकदम बैकफायर हो जाएगा। नौजवान भाई, एक पढ़ा लिखा हुआ नौजवान जो हर घर के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अंतिम उम्मीद क्या होती है? उम्मीद तो यही होती है ना कि योग्य है, सक्षम है, उसके लिए हमने ट्रेनिंग ले ली है तो हमें नौकरी भी मिलेगी। और आपके पास रिक्तियां हैं, तो जब रिक्तियां हैं, वैकेंसी नहीं होती, तब तो एक बात होती कि भाई अब तो वैकेंट सीट ही नहीं है, तो जब रिटायर लोग होंगे रिक्तियां बचेगी तब करेंगे। कई कई डिपार्टमेंट में तो एक एक लोगों का काम चलाया जा रहा है, तो रिक्तियां हैं लेकिन रिक्तियां
क्यों नहीं भरी जा रही है, और यही रिक्तियां क्यों तेजी से भरी जाने लगी थी जब आपके साथ आरजेडी गठबंधन में थी। तो ये तो एक सामान्य आदमी भी जो बिहार का है इस सवाल को लेकर के आपको निकलेगा, और जब आप घिरेंगे तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। और कल ही मैं कह रहा था एक जगह, मैं एक ये इंटरव्यू में था तो मैंने कहा था कि क्या अश्वमेध का घोड़ा रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हमें बिल्कुल रुकेगा दोनों कालखंड में। आपको याद होगा कि वो राम के पास जो चतुरंगिनी सेना थी उस अश्वमेध के घोड़ा को भी लोकुश ने रोक दिया था, जो युवा शक्ति का प्रतीक है, और महाभारत के कालखंड में अर्जुन का भी जो घोड़ा था उसको इसी मणिपुर में जैसे कि बबरू बाहन ने रोक दिया था जो उनका पुत्र था। तो युवा शक्ति जिस दिन अंगड़ाई ले लेगा, जिसका कि बिहार साक्षी रहा है, और उसको लगेगा कि हमारी नौकरियों के लिए ये सरकार बिल्कुल संघर्षशील है, इच्छुक है, जागरूक है, और ये सरकार उदासीन है, तो अगर नौजवानों की अंगड़ाई ले ली तो फिर तो सत्ता में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस पर ये जरा भी ढील या उदासीनता बरते, जो गति आई है और जिसको आरजेडी ने एक नैरेटिव बनाने की फिर से कोशिश कर दी है विपक्ष में जाने के बाद भी, तो आरजेडी को इसका लाभ तो मिल जाएगा, सीधे सीधे लाभ मिलेगा। ये जो युवा शक्ति है ना, और बिहार तो एक बड़ा युवा शक्ति का प्रदेश है, तो युवा शक्ति के सपने को आकार लेने के लिए तो जो सरकार उनके सपनों को आकार देगी उसके साथ वो खड़ा हो जाएगी। तो अगर गठबंधन बदल भी गया है, लेकिन अगर इनके एजेंडे में कोई बदलाव आया कि 7 दिसंबर पार्ट टू की बात जो ये कर रहे थे कि हमने 10 लाख नौकरियां देने की प्रतिबद्धता मेरी थी, तो ठीक है, अब तो आरजेडी नहीं, अब तो क्रेडिट नहीं लेगी, अब तो क्रेडिट आपको मिलेगा। तो आपको जब क्रेडिट मिलेगा तो फिर इतनी उदासीनता क्यों, इतनी ढिलाई क्यों? वहां पर नीतीश कुमार जी को कड़े और सही फैसले सही समय पर लेने पड़ेंगे, और यह रफ्तार को बनाए रखना होगा, नहीं तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ आरजेडी ले लेगी और नौजवानों के आक्रोश को आपको झेलना पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार समझ लें कि यदि रफ्तार कम हुई तो तेजस्वी यादव हमलावर हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा, तेजस्वी यादव को घाटा होगा, और भाजपा का लिटमस टेस्ट शुरू हो गया है कि जो वे कहते हैं वे करते हैं या बदल जाते हैं। वैसे हमने बदलते ही देखा है, और सिर्फ भाजपा की ही बात क्यों करें, तमाम राजनीतिक पार्टियां परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है। और आपने शुरू में ही एक शब्द कहा था, जरूरी और मजबूरी और फिर कुर्बानी, तो ये तीनों शब्द बहुत ही इस्तेमाल होते हैं राजनीति में, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।